इस DIY को आपको सिर्फ एक बार अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। अगर स्कैल्प में डैंड्रफ है, इचिंग हो रही है, या जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, समथिंग मोम लाइक नजर आता है, जो कि रूट्स को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बाल जड़ से निकलने लगते हैं, उन सबसे छुटकारा मिलेगा। साथ में आपको एक हेल्दी स्कैल्प देखने को मिलेगा, यानी कि नीट एंड क्लीन आपका स्कैल्प नजर आएगा, रूट्स बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ में बाल भी हेल्दी नजर आएंगे। तो चलिए इस DIY को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस पे आपको हर स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। या आप सर्च कर सकते हैं, या अपनी रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर सकूं। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में आपके साथ एक अमेजिंग DIY, बहुत इजी इंस्टेंट रिजल्ट जिससे मिलेगा, वो DIY शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है, झटपट अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, एंड देन आप अपना हेयर वॉश यानी कि सेम रूटीन को फॉलो कर सकती हो। वैसे तो समर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, बिकॉज विंटर में जब हमारा स्कैल्प ड्राई होता है तो जिसकी वजह से फ्लैक्स निकलते हैं और वो डैंड्रफ में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर गर्मियों में आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो ऑयल एंड स्वेट के साथ मिलकर अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जिससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऑयलिंग करते हैं या कोई भी DIY या प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अदर रिएक्शन भी देखने को मिलता है। तो इस DIY को आपको वीक में एक बार या दो बार फॉलो करना है, 2 से 3 बार में ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए इस DIY को प्रिपेयर करते हैं एंड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 4 टेबल स्पून दही, और इसे मैंने यहाँ पे कांटे वाले चम्मच यानी कि फॉक के थ्रू अच्छे से मिक्स कर लिया, फेंट लिया है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, यानी बिल्कुल फाइन इक्वली नज़र आएगा। और उसके बाद फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 नींबू लेमन, और यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन का ही यूज़ किया है। लेमन अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है या फिर एक्सेस स्वेटिंग हो रही है तो उसे कंट्रोल करेगा। अगर लेमन नहीं सूट करता आपके स्कैल्प या स्किन को, देन आप ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लेमन ही लिया है, उसे अच्छे से स्क्विच कर दिया है, और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ऐसा इन्ग्रीडियंट जो कि ना ही सिर्फ आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा, साथ में एक्सफोलिएट करेगा, और जो भी क्लॉग रूट्स होंगी जिनकी वजह से हेयर फॉल जड़ से हो रहा है, उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर देगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 छोटे छोटे देसी टमाटर। आई नो टमाटर बहुत महंगा है इस वक्त, लेकिन हमें सिर्फ जूस का यूज़ करना है, यानी जो उसके अंदर पल्प होता है, रस, उसको यूज़ करना है, और फिर उसके बाद आप बचा हुआ टमाटर सब्जी या दाल के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको आपको वेस्ट फेंकना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे करीब 2 से 3 टेबल स्पून टमाटो जूस को इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हनी। टमाटो में सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। हनी इसलिए ताकि हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करे। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल या फिर बादाम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद अगेन आप फॉक के थ्रू या स्पून के थ्रू इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिस तरीके से आपने दही को फेटा था, इस तरीके से इसे फेट के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आप अपने बालों पे इसे अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करते वक्त याद रखना कि स्कैल्प पे इसकी मात्रा ज़्यादा अप्लाई करनी है, बालों पे नहीं। हमें स्कैल्प को टारगेट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम डैंड्रफ की स्कैल्प में हो रही है, रूसी, खुजली, जो भी जो मोम लाइक वाइट जो सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ वो स्कैल्प में है। तो इसलिए सबसे पहले फोकस हमें स्कैल्प में करना है। हालाँकि ये पेस्ट आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बालों को भी अच्छे से हाइड्रेट कर देगा, लेकिन अगर बच जाता है तो आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। थिन पेस्ट है तो अच्छे से स्कैल्प में पेनिट्रेट भी होगा, स्कैल्प को क्लीन करने के साथ साथ रूट्स को भी क्लीन करेगा। तो इस तरीके से देन आप फिंगर टिप्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि अच्छे से बालों के अंदर हर पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो जाए। और देन फिर मैंने थोड़ा बहुत बच गया था तो फिर मैंने सोचा चलो बालों पे भी अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हेयर के लिए भी एक अच्छे मास्क की तरह काम करे। वैसे भी दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि बालों को स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है, एंड शहद तो आप जानते हैं कि बालों में मॉइस्चर को लॉक करता है, क्यूट की लेयर को अच्छे से मैनेज यानी रिपेयर कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा बच गया था तो मैंने अपने बालों पर भी अप्लाई कर लिया। और स्प्लिट एंड्स को रिकवर करने के लिए हमें अपने टिप हेयर पे भी अच्छे से इसका एप्लीकेशन करना है। देन फिर मैंने ये एक स्क्रबर का यूज़ किया, जिसका वैसे तो मैं इस हेयर वॉश करते वक्त यूज़ करती नहीं हूँ। समटाइम जब अगर कोई मास्क लगाया है तो उसके बाद अगर आप कॉम कर लेते हैं या ब्रश के थ्रू स्कैल्प में इस तरीके से कर लेते हैं तो अच्छे से आपके स्कैल्प पे
पूरे में स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने बालों का बन बना लिया है, आप चाहे तो बन बनाएं या फिर आप ऐसे ओपन भी छोड़ सकते हैं। और करीब 15 मिनट के लिए आपको इस मास्क को अपने स्कैल्प पे रहने देना। और उसके बाद फिर आप शैम्पू कर सकते हो, और शैम्पू करते वक्त आपको अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट आपने अपने स्कैल्प पे अप्लाई किया, यानी कि जो मास्क अप्लाई किया है, वो बालों से वो अच्छे से निकल जाए। तो इसलिए अपना शैम्पू करिए, उसके बाद बालों को अच्छे से रिंस करिए, देन आप टॉवल से इस तरीके से हल्का हल्का वाइप करके, और उसके बाद फिर आप बालों को ड्राई कर लीजिए। एंड ड्राई होने के बाद आप हल्का सा सीरम लगाने के बाद देन आप अपने बालों को कॉम कर सकते हैं, और आप फिर देखना कि आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। एंड या अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो मे भी हो सकता है कि 2 से 3 बार आपको इसको अप्लाई करना पड़े, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखा, ये इंस्टेंट एंड इजी सॉल्यूशन है। अगर आप इसे थोड़ा और ज्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करेंगे तो आप इसे एज अ हेयर मास्क की तरह बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके जो फ्रिजी रूखे या अनहेल्दी बाल हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, बालों में शाइन भी आएगी और बाल हेल्दी नजर आएंगे। तो जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, ट्राई करके जरूर देखना, उसके बाद मुझे कॉमेंट करके बताना, एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स टू वॉच प्लीडियो, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।